द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के हमलों ने पूरे इजराइल में तहलका मचा रखा है। इस तहलके की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी और अभी तक जारी है। हमास लगातार इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। हमास लगातार एक के बाद एक कई इजरायली शहरों पर हमले कर रहा है। एक बार फिर से हमास ने इजरायली शहर को निशाना बनाया और इजरायली शहर में मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और तबाही फैल गई। इसका वीडियो भी सामने आ रहा है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से हमास के एक मिसाइल अटैक से इजरायली शहर जो है वहां पर तबाही मच गई। लगातार इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, जहां पर फिलिस्तीन रहते हैं वहां उन्हें परेशान कर रहा है, उन पर जो है जुल्म कर रहा है, और इसी का जवाब देने के लिए हमास भी लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल लगातार यही कहता है कि हमास हिजबुल्ला के हमलों में ना तो उसके सैनिक घायल हो रहे हैं, ना उसके शहरों का कोई नुकसान हो रहा है, ना आम सिविलियंस का कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन असल बात तो ये है कि हमास लगातार इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है और इससे इजरायली शहरों का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। हमास और इजरायल के बीच जो जमीनी जंग चल रही है गाजा पट्टी में, उसमें भी इजरायल के सैनिकों का नुकसान हो रहा है और इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरेश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरेश मिश्रा ने इस हमले की जानकारी देते हुए यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है, ये वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आसमान से मिसाइल बरस रही है और जैसे ही मिसाइल नीचे गिरती है वैसे ही आग लग जाती है, धू धू करके धुआं उठने लगता है और वहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अमरेश मिश्रा ने यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जानकारी दी है कि हमास ने अभी कुछ ही घंटे पहले जो इसराइल के अंदर अस्कलान एरिया में जो मिसाइल दागी थी उसने तबाही मचा दी। नीचे वीडियो एक शेयर किया गया है, ये वीडियो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीडियो आप देखिए, कुछ सेकंड के वीडियो में आप समझ जाएंगे कि हमास जो एक के बाद एक इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है उससे कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमास के हमलों में इसराइल का भारी नुकसान हो रहा है, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे इसराइल के शहर हो या फिर इसराइली सैनिक हो। वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देखा। अब इसी के साथ आपको बता दें कि अमरेश मिश्रा ने यहाँ पर कई ट्वीट्स किए हैं, उनके कई ट्वीट्स हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमास ने जो इसराइल पर हमला किया है उसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है इसराइल का। वहीं कहा ये भी जा रहा है कि इसराइल ने मान लिया है कि हमास के हमले में उसके कितने सैनिक मारे गए। तमाम जानकारी जो उन्होंने साझा की है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट अमरेश मिश्रा का देख रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि हमास ने इसराइल के भीतर अस्कलान से मिसाइल से वार किया। फोटो यहाँ पर उन्होंने शेयर की है, फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे लिखा है, हमास अलियासिन 105 शेल से गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में इजरायली सैन्य वाहक को निशाना बनाया। तीसरा, हमास ने गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में दो इजरायली टैंक और बुलडोजर को टैंडेम शेल से निशाना बनाया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है और किस तरह से हमास लगातार इसराइल को मात दे रहा है। चौथा, हमास ने गाजा डेर अल भलाल में पूर्व से प्रवेश करने वाले इजरायली वाहनों के जमावड़े पर मोर्टार गोले से बमबारी की। तस्वीर उन्होंने जो शेयर की है वो आपके सामने है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास ने इसराइल की हवा टाइट कर रखी है। इसराइल को जो है हमास ने घुटनों पर ला दिया। यही वजह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो थोड़े थोड़े समय में सुलह की पेशकश करने चले जाते हैं और वहां पर समझौता करने लग जाते हैं। एक और ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है कि 14/11/2023 यानी 14 नवंबर 2023 के आंकड़े आ गए हैं। हिजबुल्ला ने लेबनान फिलिस्तीनी सीमा पर 4 ऑपरेशन किए, इजरायली टावर्स को नष्ट कर दिया और मिसाइलों और गोलियों से इजरायल के शीबा फार्म को खाली कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें बाकायदा मार्क करके बताया गया है कि कहां पर टावरों को नष्ट किया है, शीबा फार्म्स को किस तरह से खाली करा लिया हिजबुल्ला ने। हालांकि हिजबुल्ला के हमलों में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, हमास के हमलों में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन इजरायल ये कबूल करने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और ट्वीट अमरेश मिश्रा का जिस पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 14 नवंबर 2023 के आंकड़े आ गए हैं। फतह की अल अक्सा ब्रिगेड ने रॉकेट बैराज के साथ इसराइल की निरीम बस्ती पर हमला कर दिया। हमने इससे पहले भी आपको ये खबर बताई थी कि निरीम बस्ती पर जो है इसराइल की हमला किया गया है। अमरेश मिश्रा का एक और ट्वीट जहां लिखा है कि हिजबुल्ला ने
आज लेबनान से इसराइल के कई प्रतिष्ठानों जैसे कि हदाब यारून, ब्रिकेट रिशा, जबल तियारत, जल अल हलम फोटो पर सफल हमले किए गए हैं। तो ये फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें वो हमले बताए जा रहे हैं, इन हमलों को सफल बताया जा रहा है। हिजबुल्ला की तरफ से ये हमले किए गए हैं। इसराइल हिजबुल्ला द्वारा मारे गए अपने सैनिकों की असल संख्या कभी नहीं बताता है। हिजबुल्ला ही नहीं, हवास के हमले में भी जो उनके सैनिक मारे जा रहे हैं वो कबूल करने के लिए राजी नहीं है कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। हालांकि बीच में इक्का दुक्का वो दो तीन सैनिकों के मरने की बात कबूल कर लेता है, लेकिन उसके सैनिकों का लगातार नुकसान हो रहा है, खबरों से आप समझ ही रहे होंगे। एक और अमरीश मिश्रा का ट्वीट जिसपे लिखा है कि ब्रेकिंग, पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस इस समय गाजा के शेख रदवान इलाके अल यून अल जला स्ट्रीट में इसराइल की एक बड़ी टुकड़ी टैंक बख्तरबंद वाहन से सुसज्जित के खिलाफ जीने मरने की लड़ाई लड़ रहा है और इसराइली पीछे हट रहे हैं। तो ये तो हमने देखा ही है कि हमास से जब लड़ने की बारी आती है, अल कसम ब्रिगेड जब सामने आकर खड़े हो जाता है तो इसराइली पीछे हटने लगते हैं। इसराइली अपने हथियार, अपने टैंक छोड़कर, अपने सैनिकों को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। तो ये तस्वीर तो हमने पहले भी देखी है। इसी के साथ दूसरा ट्वीट जिसमें लिखा है कि इसराइल ने माना है कि गाजा के पूर्व में आईडीएफ के किसुफो मिलिट्री बेस पर पेलेस्टाइन रेसिस्टेंट यानी कि पेलेस्टाइन प्रतिरोध द्वारा छोड़ी गई मिसाइल से एक इजरायली बुलडोजर नष्ट हुआ और दो इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बीच में आईडीएफ जो है वो मान लेता है, लेकिन हमास के हमलों ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है, इसराइल के सैनिकों का भर भर के नुकसान हो रहा है। तस्वीरों, खबरों, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जो भी तस्वीरें आती हैं उनसे ये साफ पता लगता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक और ट्वीट है अमरीश मिश्रा का जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमास नहीं मिला, अल शिफा हॉस्पिटल की बात यहाँ पर की गई है। अल शिफा हॉस्पिटल में जो इसराइल लगातार ये कह रहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के लड़ाके हैं, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे कोई सुरंग है, कोई टनल है और वहाँ पर हमास के लड़ाके हैं, वहाँ उनका हथियारों का जखीरा है, तमाम तरह की बातें आपने सुनी है। गोदी मीडिया भी यही आपको बता रहा है, लेकिन वहाँ हुआ क्या है ये देख लीजिए। वहाँ पर इसराइल को कुछ भी नहीं हाथ लगा है, इसराइली सैनिक वहाँ से खाली हाथ वापस निकले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अल शिफा हॉस्पिटल में आज क्या हुआ, सुनिए अस्पताल के डायरेक्टर का बयान। अस्पताल के डायरेक्टर का बयान यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बयान है मैं वो आपको बता भी रही हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इजरायली सैनिक फिलहाल परिसर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गए हैं, लेकिन टैंक और सैन्य बल पूरी तरह से परिधि के आसपास ही तैनात है। यह हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बयान है। आईडीएफ सैनिकों ने अल शिफा कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा कर्मचारियों के सदस्यों से पूछताछ की, वहां काम करने वाले दो इंजीनियर को गिरफ्तार भी कर लिया। अल शिफा कॉम्प्लेक्स में मरीजों, घायलों और चिकित्सा कर्मचारियों को पूरे दिन में सिर्फ एक समय खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो फिर जो मकसद था कि अस्पताल के अंदर हमास की सुरंगें हैं, उसका क्या हुआ? अब यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि सुरंगें हैं नीचे, उनका पूरा का पूरा जखीरा वहाँ पर है, वहाँ तमाम हमास के लड़ाके मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, वहाँ से खाली हाथ इन्हें वापस निकलना पड़ा। और ये कर्मचारी को, अस्पताल को किस तरह से परेशान कर रहे हैं ये भी आपने देखा। इससे पहले भी खबर आई थी कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना की सभा पर बमबारी कर दी, जिसमें 9 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, 3 घायल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमास इजरायल जंग में इजरायल जो है वो बुरी तरह से हमास से पिछड़ रहा है। हमास ने इसराइल को लगातार खदेड़ा है और आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास ने इजरायली शहर, इजरायली असलकन क्षेत्र पर जो हमला किया है और उस पर जो तबाही मच गई है, आप हमलों को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।